सैमसंग गैलेक्सी A72 5G। हाँ आप लोग जानते हैं यहाँ पे सैमसंग की तरफ से सैमसंग का A72S 5G आने वाला है। पहले A72 5G कह दिया था, वो आदत हो जाती है ना, तो A72S 5G आने वाला है। इस पर हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे जो सैमसंग का A72S 5G है ना, इस फोन का भी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, जैसे A52S का कर रहे हैं। चलिए अब इस फोन में मैं सबसे पहले आऊँगा, फिर हम बाद में बात करेंगे। A52S के ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ था, वो नहीं देखा देख लेना। अभी इस वीडियो में उतना नहीं उसके बारे में बात कर रहा, उसमें बात ही नहीं करना उस वीडियो में, इस वीडियो में उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले A72S 5G के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आता हूँ, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट बारे में। सबसे पहले बिल्ड डिजाइन में आता हूँ A72S 5G में। तो यहाँ पे बिल्ड डिजाइन जो होने वाला है वो A72 जैसे ही होगा। हो सकता है कलर्स में कुछ नया ले आए यहाँ पे, क्योंकि एकदम सेम तो नहीं ले आएंगे। तो डिज़ाइन में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है A72 में लगा था हमें। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल मिल जाएगी, 120 रिफ्रेशिंग रेट होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको डिस्प्ले क्वालिटी जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाएगी। चिपसेट में आ जाता हूँ, यहाँ पे जो चिपसेट कहा जा रहा है एक्सिनोस का 1080 देखने मिल सकता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया चिपसेट आप बोल सकते हैं, और परफॉर्मेंस आपकी अच्छा हो जाने वाली है। बट अगर ये स्नैपड्रैगन 870 दे देते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। आप लोग तो हम लोग क्या लगता है। कैमरा में आ जाता हूँ, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, 1.8 पर चिर का, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर माइक्रो लेंस पे आपको देखने मिल जाएंगे। चार कैमरा क्वाड कैमरा रियर सेटअप में मिल जाएगा आपको। सेल्फी में सेंटर पंच होल के साथ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने मिल जाएगी, तो वो भी आपका काम कर देने वाली है। बैटरी में आ जाता हूँ, 4500 mAh की बैटरी है, टाइप सी है, और 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया बात है। UI में एंड्रॉइड 11 आपको द बॉक्स मिलता है, एनीवन UI से रन करेगा। चलिए पूरी स्पेसिफिकेशन हो गई, ये सैमसंग का A72S 5G अच्छा लग रहा है स्पेसिफिकेशन वाइज। तो फाइनली मैं बात करता हूँ प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो आई है इसके सामने वो 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में आई है। अगर 35 से 40 हज़ार रुपये में देखते हो तो एक्सिनोस 1080 सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर स्नैपड्रैगन 870 आप देते इस चिपसेट में तो बात अलग, इस प्राइस में देते हो तो अच्छा रहता, बट नहीं दिया। दूसरी बात, यहाँ पे इस फ़ोन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनता कि हम 35-40 हज़ार रुपये इस फ़ोन के लिए पे करें। तो आप लोग बताओ आप लोग क्या लगता है, मुझे फ़ोन इतना बढ़िया नहीं लगा। इससे अच्छा A52S आने वाला है, जो इससे कम प्राइस में होगा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे, उसमें चिपसेट भी स्नैपड्रैगन का 778G वाला दिया जा रहा है, तो आई थिंक वो इससे बेटर होने वाला है, ठीक है। फाइनली मैं बात कर लेता हूँ कब आएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसीलिए इस वीडियो को देखा है, बट पूरा वीडियो देखा है ना तो भाई देख लिया करो, अच्छा वॉच टाइम आपके भाई को मिलना चाहिए। चलिए फाइनली बात कर लेता हूँ कब आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों में। तो ये फ़ोन जो है ये आप लोगों को सितंबर के मंथ में आने वाला है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हम दिनों से इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो सितंबर में आ ही रहा है, तो भाई थोड़ा और इंतज़ार कर लो, सितंबर में आ ही जाएगा। बस अगस्त ख़त्म हो, अगस्त थोड़े दिन बचे, फिर उसका सितंबर आने वाला है। तो बताना कमेंट करके कि इंतज़ार करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, कब से इंतज़ार कर रहे हो ये भी बता सकते हो। पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बहुत जल्द हम 9K क्रॉस करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्द सपोर्ट करो तो हम 9K पहुंच जाएं। और आप लोग बता देना कैसा लगा वीडियो, और A72S के बारे में आखिरी जो मेरे वर्ड्स रहेंगे वो इतने रहेंगे कि मुझे फ़ोन बढ़िया नहीं लगा, बता रहा हूँ। 35 से 40 हज़ार रुपये में अगर हम एक फ़ोन के लिए पे कर रहे हैं तो या तो हमें उसकी परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी होनी चाहिए, या तो उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, इसमें भी बैटरी इतनी भी नहीं दी गई हुई है, फास्ट चार्जिंग भी नहीं दिया हुआ है, कैमरा भी इतने नहीं है, जैसा A72 का कैमरा तो वैसे ही दिया हुआ है, डिस्प्ले भी जैसे और मिल जाते हैं वैसे ही मिल जाता है। तो मुझे पर्सनली लगता था अगर मैं 35 से 40 हज़ार रुपये एक फ़ोन के लिए पे कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ तो स्ट्रांग मिलनी चाहिए, चिपसेट हो, डिस्प्ले हो, बैटरी हो, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब नॉर्मल टाइप का ही है। बस इतना ही कहना चाहता था, पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, 2-3 बार कह ही चुका हूँ, बट कर दिया करो यार, आपका भाई जो है वो आपके लिए इतनी सारी वीडियोज़ लाता रहता है तो ये भी बनता है हमें बोलने के लिए, तो बताना। बट A72S 5G का मत इंतज़ार करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। A52S 5G जो इसका छोटा है वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आने दीजिए, सितंबर के मंथ में दोनों आने वाले हैं, तो दोनों के जो अपडेट्स हैं, A72S का मैं इतना प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट A52S का हम वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब भी उसके अपडेट्स या कुछ हम वीडियो डालते रहते हैं चैनल पर, तो इसलिए चैनल पर स्टे ट्यून रहा करो, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लो, हमारे नए नए वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलने के बाद। जैसे बस नहीं रखता हूँ इस वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।